चलें जी अभी किचन में जाना है, बिल्कुल कोल किचन में जाना है ना। उम्मीद के साथ कि हमारी इस राय को भी और ओवरऑल इस को कंसिडर भी करेंगे मिनिस्टर साहब, और चूंकि हिना है हमारे साथ। हिना जी, आज मैं बना रही हूँ पीच कूलर। अक्सर लोगों को इफ्तारी करते ही बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये ड्रिंक है, रिफ्रेशिंग भी, ऐसे प्यास आपको कम लगेगी। फिर वो लोग जो वर्कआउट करते हैं रोजे के फौरन बाद, या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या फिर कार्डियो कर रहे होते हैं, वट एवर, वॉक के लिए जा रहे होते हैं, उसके बाद भी वो कुछ ऐसा खाना चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, तो ये ड्रिंक जो है दिस इज वेरी गुड। और मल्टी वाइटामिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं या फूड सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, आई वुड से कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स को इस्तेमाल करें जब उनका मौसम होता है। तो आजकल चूंकि आड़ू का मौसम है और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो उनको इस्तेमाल करें। ठीक है हिना, जैसे जैसे आपको रेसिपी बता रही है उसके साथ साथ जो रेसिपी कार्ड है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। हिना ने पीच ऐड कर दिया है ना, इसमें आपने पीच ऐड किया, शुगर और पिंच ऑफ सॉल्ट और पानी। ठीक है जी, सॉल्ट अगेन आई वुड टेल यू गाइस कि ये पहले भी मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ कि जो सॉल्ट है ये जो फ्लेवर है उसका, पीच का या किसी भी फ्रूट का, उसको इनहांस करता है। ठीक हो गया, जब तक हिना का ड्रिंक रेडी हो रहा है, हिना आप इसकी प्रेजेंटेशन के लिए ग्लास, अच्छा मुझे रोजा लग रहा है। मुझे लगता है आपके ब्लेंडर को भी रोजा लग रहा है, इतना स्लो चल रहा है। यार नहीं, सही है, ऐसे ही चलता है ब्लेंडर। ठीक हो गया हिना, आप इसको जल्दी से ब्लेंड कर लिए ताकि आप प्रेजेंट करके दिखा दें। नो टाइम, हिना को आज ही नहीं आ रही, हिना अपनी लगी हुई है। ठीक है चले, आप आखिरी में, चूंकि जब तक हिना इसको प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करती है, मैं जरा फयाज साहब आखिरी कमेंट आप हमें, एक तो वकार साहब ने एक अच्छी राय दी है कि एक नफसियाती अमल होता है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं कि उन ग्राउंड्स के ऊपर लेके आए, एक मिनट के अंदर आप कुछ भी कंक्लूड करना चाहें। सवाल बात यह है, मैंने आपके सामने रखा है और सोशल मीडिया के अंदर कम अज कम जाना 25-30 क्लिप्स इस वक्त जो है वो मिलियंस में वायरल मौजूद है। वो विजिट्स तो मैंने आपके देखे हैं, उन विजिट्स की रोशनी में जो जो डिसीजन हमने किए, जो आज से पहले किसी हुकूमत ने उसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं किया। आज का भी इस वक्त मुल्तान के विजिट का जाना अभी घंटा पहले अपलोड हुआ है, और सरगोधा के अंदर मैं गया, विजिट किया मैंने, तो वहां पे एक बंदे को जाना वो पंजों के बाहर जाना बैठाया हुआ था। मैंने सख्ती से हदायत कर दी कि आइंदा से कोई कैदी भी, जितना मर्जी बड़ा मुजरिम हो, जितना मर्जी गंदा जुर्म करके आया हो, अगर वो अस्पताल के अंदर आता है आपके जेल के, ठीक है, तो दाखिल होने से लेके वहां से बाहर निकलने तक उसको भी टाइम हमारे पास कम है। आप एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह कोई तफसीली नशिस्त करेंगे जहां पे इनके पोर्टफोलियो को भी डिस्कस करेंगे, और बड़ा अच्छा लगा हमें वंस अगेन कि आप तशरीफ भी लाए, और आपने बड़ी अहम, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी की हमारे साथ। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले घंटे में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और बहुत कुछ है हमारे पास।